फ्रेंड्स एंड माय फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं हाइकिंग ट्रेल 5 पे। ये आप देख सकते हैं, ये पहाड़, हम पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। एंड एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू गो, बिकॉज पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि हमने पहाड़ चढ़ना है। हम पहाड़ के ऊपर भी चल सकते हैं। हम पहाड़ के ऊपर चलते हैं। आइए आपको मैं आपका व्यू दिखाता हूँ। बाद में से अभी इतना एक्साइटेड हो रहा है, बाद में पूछेंगे आके इतना चढ़ के इसको कैसा लगे। मैं मुझे इतना अच्छा लगा तो आप पत्ते देखो कितने प्यारे हैं। पत्ते देखो कितना प्यारा व्यू है। ये 250 इयर्स से पुराना है और देखिए कितना बड़ा ये ना दरख्त है, कितना बड़ा ट्री है। ये देखें दरख्त कितना बड़ा है, 150 ईयर्स पुराना टूट गया। और यहाँ पे इमामी सरकार ने बैठ के इबादत की थी। ये साथ उसके साइड दूसरी साइड पे ना कब्रिस्तान भी है। मुझे डर लगता है कब्रिस्तान से। चलो सॉरी, मैं ना शुगर कैन खा रही हूँ तो आपको ना मेरी आवाज़ आ रही होगी, सॉरी। तो अब मैं आपको छोटी सी वाटरफॉल दिखाती हूँ। छोटी सी वाटरफॉल है, ये रही वाटरफॉल। वो देखें, मुझे तो बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। पानी कितना साफ है। इस्लामाबाद की ब्यूटी देखें, वो हमने उधर जाना है। और ये यहाँ से माउंटेन दूर लग नहीं, लेकिन यहाँ से लग रहा है हम पहुँच गए हैं। आप मैं पॉकेट में रख लूँ अपने। बताओ ये क्या कहता है। कहता है अब हम जा रहे हैं खाला के घर, वहाँ जाके हम दूध पियेंगे और हमें ताकत आ जाएगी। जब हम उधर गए थे हसन अब्दाल, तब इसने कहा। हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं माउंटेन्स हमारे करीब आ रही हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं हमसे दूर जा रही हैं। पता नहीं क्यों मुझे तो करीब लग रही हैं जैसे जैसे हम जा रहे हैं। और मैं थक भी बहुत चुकी हूँ, कहती मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, थक गई हूँ मैं। अब आगे जाके जो पॉइंट आएगा ना, फर्स्ट पॉइंट, वहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर आगे चलेंगे। सो टायर्ड और दिल कर रहा है मैं यहीं पे किसी पत्थर पे बैठ जाऊँ, लेकिन अब पॉइंट भी आने वाला है। लेट्स गो, चलें फिर। आ जाओ अब पता चला लोग यहाँ पे वो स्टिक्स भी लेकर आते हैं ना, ताकि हम स्टिक्स के सहारे चल पड़े चलें। हम मैं तो सच में बहुत थक गई हूँ और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब आएगा पॉइंट। मैं कहीं रुकना नहीं है क्या? दौड़ते ही रहना, सच में दौड़ते रहना। मुझे बैठने का दिल कर रहा है और बाबा चले भी चली जा रहे हैं ऐसे जैसे बाबा थक नहीं रहे, ज़रा भी नहीं बाबा थक रहे।
अपना कैमरा आपको ये दिखा पा रहा हूँ कि किसी ने केव में जाकर लगाया है हमारे वतन का फ्लैग, पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ उससे। और वैसे भी पाकिस्तानी तो कुछ भी कर सकते हैं अपने वतन के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें अब आगे चलें। चलें अब आगे चलें। How can I miss this scene? वो गिर गया। गिर गया वहाँ, क्या था, वापस आ गया, वो गिर गया था। How can I miss this scene यार, इतना मजे का सीन था जब गिरा पत्थर पे। ये देखिए दोबारा से वाटरफॉल। और मुझे तो लग रहा है कि पानी बहुत ही ठंडा होगा, चेक करके देखते हैं। साथ में ये वो भी करेगी जरूर जरूर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कोशिश है कि मतलब माशाल्लाह ये इस्लामाबाद की हिडन प्लेस है, मैं झूले ले रही हूँ। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। और मैंने चश्मे तक ही पहुँचना था तो मैं पहुँच गई। तो ये देखें आप, मुझे तो अच्छे झूले मिल रहे हैं दरख्त से। मज़ा आया। वही कौन आया, वो बच्चा था, मैं डर गई। यहाँ पे लाइन है, चीते हैं और इतनी ज़्यादा इतने ज़्यादा जंगली जानवर है। तो मैं अब यहाँ से झूले लेके ना थोड़े से वापस जा रही हूँ। चलें हो गए मेरे झूले। अच्छी बात है, आ गए सही, आ गए हैं। आप मैं छोड़ दी हूँ माइक का। देखिए अंधेरा हो गया और आप फॉरेस्ट देखें। मैंने स्टिक पकड़ी हुई है ताकि, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे लाइन चीता और जंगली जानवर होते हैं, ताकि वो सामने आ जाए तो हम उनको मार सकें और सहारा लेने के लिए। अब नीचे हम नीचे जा रहे क्योंकि मेरी बस हो गई है। और नीचे जाके मैं आपको व्यू दिखाऊंगी कि हम कहाँ गए थे और कहाँ कितना चढ़े थे और हमने कितना का पहाड़ चढ़ना था। तो मैं नीचे चल के आपको बताऊंगी। देखिए शाम हो गया और पूरा फॉरेस्ट खाली हो रहा है। अब सब चले गए हैं और हम भी जाने वाले हैं। वो देखिए सब जा रहे हैं। बाबा मैं आपको एक बात बताऊं। बाबा जी एक बच्ची जा रही थी ना, तो उसने मुझे कहा मॉम दे आर सिक। नो शी पॉइंटेड एट मी। वैसे मैं सिख तो नहीं हूँ, आई एम नॉट सिख, यू नो। मैंने तो अपनी सेफ्टी के लिए पकड़ा है कि कोई आए तो मैं यूं मारूं उसको। हाँ मुझे गुस्सा चढ़ा उसमें। चलो आ चले जी। देखिए आपको मैंने बताया था ना सारा फॉरेस्ट खाली हो रहा है। जैसे वो शिकार पर जाता है।
ये तो बैट बॉल खेल रहा है सीधा। ओए ओए कोई भी नहीं है, ये जंगल में आया हूँ, जंगल में आया हूँ तो इसलिए कि अगर कमाने रहता होता तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता था, किराए पे रहता हूँ। तो मैं ये उम्मत मुसलमान का मंतज़र हूँ जो आते जाते मेरी निगाह करते हैं, जहाँ पे बैठता हूँ, चाहे मैं डी चौक में बैठा हूँ अफगानिस्तान वैसी के आगे, चाहे मैं जंगल में बैठता हूँ, मेरी नज़रें निगाह करके जाते हैं बेटे, उसकी रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। बाकी मेरा कोई आसरा नहीं है, बहन है भाई हैं वो अपने अपने घर खुश हैं, माँ बाप तो दुनिया में नहीं रहे, अब मेरी शादी का कोई फायदा नहीं, शादी करूँ इस उम्र में, बस बेटे अल्लाह हाफ़िज़। इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। मैं वहाँ पे रुकी और वहाँ वो ना दरख्त काट रही थी, तो मैं बहुत अपसेट हुई कि क्यों आप दरख्त क्यों काट रही हैं, ये इससे तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। फिर उन्होंने मुझे अपनी सारी स्टोरी सुनाई, फिर मैं बहुत सैड हुई, फिर मैंने कहा चलो कुछ नहीं आओ चलते हैं, फिर मैं चली गई। और ये देखें कितना प्यारा सीन आ रहा है, करेंगे। और अगर आप यहाँ पे ना आप यहाँ पे आए और आप चप्पल कबाब ना खाएं, ऐसा नहीं हो सकता, और ये बहुत टेस्टी होते हैं, यहाँ पे आप आए और ज़रूर खाएं। इट्स सो गुड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भूल गई थी, मज़ा आ रहा है। मुझे तो हाइकिंग करने का बहुत मज़ा आया, स्पेशली कबाब खाने का, क्योंकि बहुत सारी भूख लगी हुई थी, हमें बहुत भूख लगी हुई थी। और सो होप यू लाइक माई व्लॉग्स, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय। वो मदर कह रहे मैंने भी बोलना तो उसको उससे सुन ले। बाय दोस्तों, आप तो हाँ।